हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली जेनरिक वर्कशीट G21 करेंगे, जो कि क्लास 7th एंड 8th की है। ये वर्कशीट 30 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आप जनरिक, अगर आपने कॉपी लगा रखी है 7th और 8th की वर्कशीट की, तो उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज की वर्कशीट आप इंग्लिश की कॉपी में कर सकते हैं। इन इंडिया बोथ रिलीजियस एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल सीजन बिगिन विद द मंथ ऑफ द सावन। जैसा कि आपको पता है कि अभी सावन का मंथ चल रहा है, तो जैसे ही सावन का मंथ शुरू होता है, उसके साथ साथ में रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल का सीज़न भी शुरू हो जाता है। साहिल बाय कलरफुल काइट ऑफ हिज चॉइस विद हिज ग्रैंडफादर। साहिल ने अपने ग्रैंडफादर के साथ में अपने कलरफुल जो काइट्स हैं उनको चूज किया, मार्केट से लेकर आए। ही इनक्रोस इन काइट फ्लाइंग, उसे काइट फ्लाइट करना बहुत अच्छा लगता है। लेट अस कलर द गिवन पिक्चर एंड द शेयर द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर काइट फ्लाइंग। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसे कलर करना है आपको, और सेकंड यहाँ पे ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ काइट यूर लाइकिंग, जो काइट आप लाइक करते हैं ऐसा एक काइट यहाँ पर बनाना है। कलरफुल काइट आपको यहाँ पर बनाना है, और साथ में जो ये पिक्चर दी गई है इसे भी आपको कलर करना है। आप अपनी नोटबुक में इस पिक्चर को बना सकते हैं और उसके बाद उसे कलर भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑन विच ओकेजन काइट आर फ्लोन इन दिल्ली। दिल्ली में कौन से ओकेजन पर हम काइट उड़ाते हैं? मोस्टली 15th अगस्त को। हम कब उड़ाते हैं? 15th अगस्त को बहुत सारे काइट उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफाई द ओकेजन इन विच काइट इज फ्लोन द स्टेट गिवन बिलो। देखो हम आंसर्स करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो कुछ स्टेट्स दी गई हैं, उनमें पूछा गया कि वहाँ पर काइट कब उड़ाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में मकर संक्रांति के समय काइट उड़ाए जाते हैं। गुजरात, गुजरात में भी मकर संक्रांति के समय काइट उड़ाए जाते हैं। केरला, केरला में पोंगल के समय जो काइट्स उड़ाए जाते हैं। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा में बसंत पंचमी के समय जो काइट्स हैं वो उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्क्वेयर आर देयर इन अ काइट नंबर 1। काइट नंबर 1 देखो ये रहा, इसके अंदर कितने स्क्वेयर हैं हमें ये बताने हैं। तो ध्यान से देखते हैं हम इसको। देखो छोटे छोटे स्क्वेयर के अंदर काफ़ी सारे, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो देखो कितने हैं, 5 एक रो में है, 5 एक रो में, तो कितने हो गए टोटल, 25 काइट। लेकिन यहाँ पर देखो एक ये स्क्वायर भी हमें दिख रहा है, ध्यान से देखो 25 तो है लेकिन एक ये स्क्वायर भी हमें दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 25 प्लस 1, तो टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 26। अब देखते हैं सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन काइट नंबर 2। काइट नंबर 2 में कितने ट्राइंगल है, देखो काउंट करते हैं। इस तरह से पिक्चर दी गई है ना, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया 5 6, ठीक है, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, तो टोटल कितने ट्रायंगल है यहाँ पर, 8 ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग के रिगार्डिंग आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो ज़रूर यहाँ पर शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और 5 क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो क्या आंसर कहा गया है, ध्यान से देखते हैं हम इसका आंसर। On which occasion kite are flown in Delhi? 15th August. Second, देखिए specify occasion in which kite flown in the state given the below. हमें यहाँ कुछ states दी गई हैं जिसके बारे में हमें देखना है कि यहाँ पर kite कब flown किए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में kite कब fly किए जाते हैं, मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी। केरला, केरला में कब किया जाता है, पोंगल एंड 15th अगस्त। गुजरात, गुजरात में कब किया जाता है, मकर संक्रांति। और हरियाणा, हरियाणा में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और 15th अगस्त के समय जो काइट हैं वो उड़ाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी स्क्वेयर आर देयर काइट नंबर 1। अभी हमने देखा था काइट नंबर 1 में कितने स्क्वेयर है, 26। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में काइट नंबर 2 में कितने ट्राइंगल है, हमने देखा था काइट नंबर 2 में कितने ट्राइंगल थे, ट्राइंगल 8। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। राइट डाउन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग फ्लाई काइट। काइट को फ्लाई करते समय आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 5। तो देखिए आंसर क्या होगा, आई लव टू फ्लाई काइट्स। वी फ्लाई ऑन 15th अगस्त इन एवरी ईयर इंजॉइंग द सॉन्ग ऑन द रूफ ऑफ द फ्लोर आर हाउसेज। देखो क्या कहा गया है कि आई लव टू फ्लाई काइट, मुझे काइट उड़ाना बहुत पसंद है। वी फ्लाई ऑन 15th अगस्त, हम 15 अगस्त को काइट उड़ाते हैं एवरी ईयर। इंजॉइंग द सॉन्ग ऑन द रूफ ऑफ आर हाउस, अपने घर के उसमें गानों के साथ मजा लेते हुए हम क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं। वी ऑल्सो डू पार्टीज, हम पार्टी भी इंजॉय करते हैं। इसमें आप चाहें तो और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है।
देखो आई लव टू फ्लाई काइट्स, वी फ्लाई ऑन 15th अगस्त, मुझे काइट उड़ाना पसंद है 15th अगस्त को। एवरी ईयर हम जो इन्जॉय करते हैं सॉन्ग्स ऑन द रूफ ऑफ आर हाउस, अपने घर की छत पर गानों के साथ मजा लेते हुए हम 15 अगस्त को काइट बहुत अच्छे से उड़ाते हैं। वी ऑल्सो डू पार्टी, और इसके साथ साथ में हम पार्टी भी करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे की वर्कशीट, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। साहिल्स पोयम, पतंग हमारी उड़ती जाती आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो कट जाने पर हाथ नाते। देखो साहिल की जो पोएम है, साहिल ने एक पोएम बनाई है, आपको भी उसी तरह से राइट अ पोएम इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको भी क्या करना है, उसी तरह से एक पोएम बनानी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कि पतंग हमारी उड़ती जाती किसी के कभी हाथ ना आती, उड़ के आसमान को छू जाती है। ऐसे कुछ भी अच्छे से पोएम बनाइए 3-4 लाइन की, जो आपको भी अच्छा लगे और कुछ नया क्रिएटिविटी आपकी हो। तो आपको क्या करनी है, एक अच्छी सी इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे आपको इजी लगता है वैसे एक पोएम बनाइए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल फ्लाइंग काइट। काइट को फ्लाई करते समय हमें किस चीज़ की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। देखो अगर छत पर उड़ा रहे हो तो नीचे गिरने का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल कोनों में ना उड़ाएं, एकदम बीचों बीच आप पतंग उड़ाएं। सेकेंड, आप कोई आपका हाथ ना कट जाए। थर्ड क्या ध्यान रखना है कि जो पक्षी हैं बर्ड्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है कि उन्हें भी चोट ना लग जाए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम, तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका भी देखते हैं। वी शुड टेक केयर नॉट टू फॉल फ्रॉम द रूफ व्हाइल फ्लाइंग द काइट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम छत से उड़ा रहे हैं, ध्यान रखो, वी शुड टेक केयर नॉट टू फॉल फ्रॉम द रूफ व्हाइल द फ्लाइंग काइट, छत से ना गिर जाए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट गेट इंजर्ड बाय स्टीयरिंग, स्टीयरिंग से कभी भी इंजर्ड नहीं होना है, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, उससे क्या हो जाता है हाथ पर चोट लग जाती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। एंड बर्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टीयरिंग, और बर्ड्स को भी हमें क्या करना है, बचाना है उस स्टीयरिंग से। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी उड़ रहा है और हम वहीं पर काइट फ्लाई कर देते हैं जिससे कि उसके चोट लग जाए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, हमें हमारा भी ध्यान रखना है और साथ में हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनका भी ध्यान रखना है। किसी डॉग के पास अगर वो ऐसा स्टीयरिंग है तो अगर उसको भी नहीं चोट पहुंचानी, किसी भी एनिमल्स को, हम ये कहेंगे किसी भी बर्ड या किसी भी एनिमल को चोट नहीं पहुंचानी। तो ये थी आज की वर्कशीट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि 15th अगस्त आने वाला है और बहुत सारे काइट उड़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सावधान किया गया है कि आप जब छत पर अगर पतंग उड़ाते हैं तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। और आपके लिए वर्कशीट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहें अगर आपको वर्कशीट यहाँ नहीं मिलती है तो आप इस जो प्लेलिस्ट है क्लास वाइज बनाई गई है, वीकली बनाई गई है, हर वीक की हर क्लास की वर्कशीट बनाई गई है, तो आप अपनी वर्कशीट को वहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।